आचार्य प्रशांत, महान इंसान के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत से लोग जानते होंगे उनके बारे में और कैसे आपका जीवन जो है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा उन्हें सुनने के बाद, जैसे कि मेरी बदल गई है। तो इसी बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी। बहुत ही छोटी सी वीडियो है। अगर किसी महान इंसान से आप अनजान हैं तो ये जरूरी है कि आप जान जाएं और उसके बाद आप देखें उनको। अगर ना पसंद आए तो फिर आप, आपकी मर्जी है ना। पहले आप जान तो लीजिए। बहुत लोग ऐसे महान होते हैं पर हमारे जानकारी के बाहर होते हैं, हमें नहीं पता होते हैं तो हम नहीं जानते। फिर जब जान जाते हैं कि कुछ इंसान में ऐसी क्वालिटीज है, फिर हम क्या करते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो इसी तरह से मेरा भी जुड़ना हुआ। लोगों के सांसारिक जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत समस्या है, बहुत कुछ कलश है, बहुत कुछ है। इसकी मतलब किसी का कम होता है किसी के लाइफ में, किसी के लाइफ में ज़्यादा होते हैं, किसी के लाइफ में मीडियम होते हैं। जैसे कि मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इन सब का सांसारिक समस्या जो होते हैं हैं, पर उन्हें मैंने सुना था 2022 में मैंने सुना था सबसे पहले बार। एक महिला के क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे वो, तो मुझे इतना अच्छा लगा तभी से, मतलब इतना भाया मुझे वो आंसर, मुझे तभी से मुझे आदत लग गई है उनकी। चल रही मतलब तो मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि कुछ मोटिवेटर के चैनल्स देखने, मोटिवेशन चैनल। तो मैंने देखा, मुझे बस शांति मिली, हाँ चुप रहकर सहो ऐसा कुछ। बस जब आचार्य जी को देखा ना, उन्हें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आपके जो सारे प्रश्न आपके मन में, जितने कोई भी समस्या लेकर जितने प्रश्न होते हैं उनके लगभग सारे उत्तर वो देते हैं। एक विषय लेकर हजारों तरह के सोच होते हैं ना इंसान के माइंड में, एक विषय को लेकर ही वो हजारों तरह के सोच को ही, उत्तर को ही आपको ऐसे फैला देंगे आपके पास। आपका जो मन चाहता था, मतलब आपका अंदर जो गुस्सा जो सब पनपता था, सब कुछ आपका शांत हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपकी भाषा कोई और बोल रहा है। आप जो किसी को बोल नहीं पा रहे थे, आपके मन में जो गुस्सा था वो कोई और सुनने के लिए, तो आप में थोड़ी सी एजुकेशन और थोड़ी सी क्वालिटी तो होनी चाहिए। अगर आप चाहोगे कि किसी को भी शेयर कर दो वो वीडियो, वो इंसान नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाए। कुछ कुछ इंसान को साधारण प्यार सी बातें ना समझ नहीं आती, इसलिए उनका जो लैंग्वेज है ना, आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा किसी और को सुना के। इतनी अच्छी बातें बोलते हैं कि आप साधारण जीवन से ना मुक्ति मिल जाएगी आपको। आप टेंशन में रहोगे ही नहीं, जो आपको साफ रखना है आपका दिल वो बिल्कुल साफ हो जाएगा और आप काबिल से काबिल बन जाओगे। आपके सपने बड़े हो जाएंगे, आप मूर्ख नहीं रहोगे, आप जानकार बन जाओगे, आप में जानने की इच्छा आ जाएगी। तो उनका मैं थैंक्स करना चाहूँगी, बहुत अच्छी हो गई मेरी ज़िंदगी, बहुत अच्छी। सांसारिक जीवन का कोई समस्या कोई समाधान हुआ ही नहीं, पर ये छोटे से छोटे विषय में सोचने के लिए आपको समय ही नहीं होगा। आप सोचोगे क्या मेरे अंदर जो क्वालिटी है बहुत ऊँचे से ऊँचा सोच सकती हूँ, क्या उसे क्या नहीं मिला, वो क्यों नहीं आया, उसने उससे क्यों बात कर लिया, ये सब तुच्छ विषय में सोचोगे ही नहीं। ये सब तब ना आपको बिल्कुल ही एक खेल सा लगेगा, ये क्या कर रहे हैं हम। तो बहुत अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं क्या छोटे छोटे, तब फिर आपका ना लड़ना भी नहीं होगा और आप मानसिक तनाव से भी मुक्त हो जाओगे। और आप अगर चाहोगे कि आचार्य जी की वीडियोस यूं ही इसे उसे शेयर कर दो, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कम से कम जो सुनेंगे उन्हें, उनके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी सी एजुकेशन होनी ही चाहिए, वरना काला अक्सर भेस बराबर कहते हैं वही हो जाएगा और सारी बातें उनके सर के ऊपर से जाएंगी, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे इंसान। बस यही तो बात है कि उनकी बातें सब इंसान समझ ही नहीं पाते। ऊपर वाले का तो शुक्रिया है कि मुझे उस लायक बनाया कि उनकी बातें मैं समझ पा रही हूँ, उनकी बातों को समझ के उनके रास्तों में उनके मार्ग में चल पा रही हूँ। इससे मुझे काफ़ी अपने आप में संतुष्टि है कि अगर मैं इसे मेरी कोई रिलेटिव से अगर उनको शेयर करूँ, सारे नहीं कुछ है, वो तो उनकी बातें समझेंगे ही नहीं और उन्हें पता नहीं क्या लगेगा। प्लीज़ उन्हें सुनिए, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बिल्कुल आपको मतलब